भी, हमारी टीम का भी, कि हम किसी बेटी को कोख में नहीं मरने देंगे, कोख को कतल खाना नहीं बनने देंगे। मामा शिवराज एक बार फिर मैदान में हैं बहनाओं और बेटियों को लेकर। वीडियो को पूरा देखिए, आज की वीडियो में मामा की बड़ी बड़ी बातें सुनने में आएंगी। तो आज हम लाडली बहना को लेकर लगातार, जी हां, लाडली बहना को लेकर लगातार महिलाओं में आक्रोश है कि जिन महिलाओं ने गलती से लाभ परित्याग कर दिया था या जिन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, तो समस्त ग्रामवासियों का मानना यह है कि हम हार थक गए हैं, अब मामा हैं जो लाडली बहना को फिर से ला सकते हैं, क्योंकि मामा ने ही कई बार घोषणा की है। हालांकि घोषणा अभी के मंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग कर रहे हैं कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। भैया बंद नहीं होगी, लेकिन जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई हैं, लाडली बहना 3.0 लेकर आना है और चाहती हैं कि गलती से लाभ परित्याग हो गया है वो पैसा बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाए। कहा था मामा ने 3000 रुपये करेंगे, तो मामा ने 3000 कही थी, तो धीरे धीरे बढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो समस्त ग्रामवासियों का मानना है कि लाडली बहना योजना फिर से शुरू करने के लिए शिवराज मामा को ही वापस लाना पड़ेगा। अब जहां पर भी मामा जा रहे हैं उनका जोरदार स्वागत हो रहा है और मामा को चुनाव जिताने के लिए अलग अलग तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं। लाडली बहनाएं मामा को पैसे दे रही हैं चुनाव लड़ने के लिए, और हम आपको बताएंगे कि मोदी प्रधानमंत्री ना बन पाए इसके लिए ओवैसी एक रणनीति बना रहे हैं कि भैया इस बार भी चुनाव ना जीत पाए नरेंद्र मोदी, क्योंकि दो बार तीन बार तो बन गए हैं, अब ना बने चौथी बार। लाडली बहनाओं को मामा ने घेरा है, उनका स्वागत किया है। साथ ही साथ मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। मोहन यादव ने कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से बच्चों के कॉलेजेस में कृषि की नए तरीके से पढ़ाई कराने के लिए कुछ घोषणाएं की हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने आज फिर की हैं छिंदवाड़ा के दौरे पर, वो हम पूरे भाषण सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले लाडली बहनाओं पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे लाडली बहनाओं को देखने आए होंगे, फिर मुख्यमंत्री की उन घोषणाओं पर बात करेंगे कि मुख्यमंत्री ने घोषणाएं क्या की हैं। चलिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले लाडली बहना के लिए लगातार पहले मामा का स्वागत देखते हैं। मामा का स्वागत किस तरीके से हो रहा है, जहाँ पर मामा जा रहे हैं वो कह रहे हैं महिलाएं कि भैया इनको ही मुख्यमंत्री बनाना है, फिर महिलाएं उनको पैसे दे रही हैं और वो पैसे क्यों दे रही हैं कि मामा चुनाव जीत जाए, और क्यों, क्योंकि सबके मन में क्या है कि स्वराज ही इस बार वापस आए। तो पहले मामा का स्वागत देखते हैं। बहनाओं ने स्वागत तो हर जगह करा है, आप देख भी रहे होंगे, जहां भी मामा जाते हैं मामा 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 चिल्लाते हैं, लेकिन यहां पर महिलाएं अब मामा को चंदे के रूप में पैसा दे रही हैं, कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, और बात तो तब बड़ी हो गई जब एक छात्रा ने अपने गुल्लक का पैसा मामा को दिया कि मामा आप तुम हमको स्कूटी देते हो, मामा तुम हमको पढ़े के लिए पैसा देते हो, तो इस बार आपको ही जीतना चाहिए, क्योंकि अभी भी उम्मीद है। क्या लगता है आप सभी को कि लाडली बहना 3.0 का रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू कराने के लिए जिस प्रकार से महिलाएं मामा को घेर रही हैं, जब भी मामा कहीं भी जाते हैं ना, वहां माताएं बहने क्या कहती हैं कि लाडली बहना योजना को फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू करो। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, आप लोग भी चाहते हैं कि आपके लिए नई नई योजना लागू हो, उनके बारे में जानकारी मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सारी जानकारी हमारे चैनल पर ऑथेंटिक दूंगा। देखिए मामा को किस प्रकार से पैसा देकर जिताने के लिए महिलाएं आतुर हो रही हैं, उसके लिए दो वीडियो दिखाऊंगा। एक वीडियो आपको, जी हाँ, एक मामा ने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था वो मैं दिखाऊंगा, और एक आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं दोनों वीडियो। लेकिन जनता का जो अद्भुत स्नेह और प्रेम मिला, अभी मेरी लाडली बहनें आई और मेरे हाथ में ये 10-10, 20-20 रुपया उन्होंने दिए। मैंने कहा काय के लिए, बोले हमारा भैया चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़ने के लिए। और ये एक जगह नहीं हुआ, कल मैं इछावर में था, भाभी कोई 10 का सिक्का, कोई 5 का सिक्का, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया। और जब से मैंने आज खातेगांव विधानसभा में प्रवेश किया है, कहां वो दर्द, तब से ये क्रम चालू है।
गरीब बहनें आती है, गले लगती है, सिर पे हाथ रखती है और फिर ये पैसे देती है, कहती भैया ये चुनाव लड़ने। क्या क्या हो गया बेटी, क्या हो गया, रो क्यों रही हो? देखिए इस छात्रा का वीडियो देखिए, मामा को महिलाएं चंदा दे रही हैं, 10-10 रुपए दे रही हैं, 5-5 रुपए दे रही हैं, लेकिन इस लड़की ने तो अपना दिल खोल के रख दिया। आगे इसने जो बच्चे गुल्लक में पैसे इकट्ठे किए थे, देखना ये वीडियो आपको भावुक कर देगा। क्या हो गया बेटी, क्या हो गया, रो क्यों रही हो? अरे रोने बेटी, गुस्सा हो गई मामा से, नहीं हुई? अरे मेरी ये बेटी पेपर देने जा रही, क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पा। नाम क्या? मुस्कान राठौड़ को मुस्कुराना चाहिए, बोलो मुस्कुराना चाहिए कि नहीं? तो मुस्कुराओ, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। ये क्या लाई हो मेरे लिए? चुनाव लड़ने के लिए तोहफा। चुनाव लड़ने के लिए लेके आई है, मेरी बेटी पेपर देने जा रही है और देर हो रही थी तो रो रही थी कि मुझे जाना है। मेरी बिटिया तुम हमेशा सुखी रहो, खूब आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे चरण छूता हूँ। ऐसी बेटियां मेरी है जो अपने मामा से इतना प्यार करती है। और ये तुम्हारा तोहफा जो तुमने मेरी बेटी मुझे दिया है, गुल्लक है, ये मेरे लिए अमूल्य निधि है, अरबों से ज्यादा बढ़ के। हे भगवान, तूने मुझे कितना सौभाग्यशाली बनाया है कि मुस्कान जैसी मेरी बेटी है जो अपने मामा के लिए रोती है और कहती पेपर देने जाना, ये ले लो, आओ मेरी बेटी, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और ऐसे मेरी सब बेटियां आगे बढ़े, मैं धन्य हूँ सचमुच। ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे जो इतना लाड़ करते हैं, मुझसे सौभाग्यशाली कौन होगा? अब तुम्हारे पेपर का टाइम हो रहा है, इसके पेपर देने जाओ, लेकिन मुस्कुरा के जाओ सबके सामने, ताली बजाओ बेटी के लिए। अब मुस्कान पेपर देने जा रही है। तो देखा आपने, कहीं बड़े बुजुर्ग महिलाएं मामा को बुलाने के लिए कि भैया हमारी लाडली बहना फिर से चालू कर दो, लाडली बहना में हम नहीं कर पाए, गलती से परित्याग हो गया, फिर से चालू कर दो, रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन कर दो। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं रजिस्ट्रेशन ओपन हो तो हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा ताकि जो माताएं बहनें लाडली बहना के लिए रजिस्टर करना छूट गया है, तो मैं दिनेश ठाकुर दीप्ति सेन एकेडमी इंदौर से ये वादा करता हूँ। जी हाँ, आपको अगर मेरे बारे में पता ना हो तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी एकेडमी चलती है जो कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई करवाती है, वो भी बहुत ही कम फीस में। इंदौर में हमारी दो ब्रांचेस हैं, हम लोग सभी माताओं बहनों के लिए जो भी मदद होगी वो करते भी हैं। दीप्ति सेन एकेडमी सर्च करके आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, हम आपके लिए सीटेट की बुक भी दे चुके हैं, हम आपके महिला पर्यवेक्षक की बुक भी ला चुके हैं, सभी प्रकार की बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। और आप लोग चाहें तो हमारे सेंटर पर आकर हमसे मिल सकते हैं और आपके लिए जो भी शिक्षा के लिए कुछ किताबें होंगी, जो भी माताएं बहनें गरीब होंगी उनके लिए जो मदद हो सकेगी हमारी तरफ से मदद करेंगे, ठीक है? तो आप लोग आ सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं मदद करूंगा आप लोगों की घर बैठे कि मैं सरकार तक आपकी बातें पहुँचा सकता हूँ। जो भी मेरा बन पड़ेगा मैं आपके लिए मेहनत करूंगा और सभी माताओं बहनों का सपोर्ट करूंगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत जल्द आपके लिए खुशखबरी मैं ही लेकर आऊंगा, ठीक है? तो आप नंबर एक ये संकल्प तेरा भी, हमारी टीम का भी, कि हम किसी बेटी को कोख में नहीं मरने देंगे, कोख को कत्ल खाना नहीं बनने देंगे। ये महापाप है बहन और भाइयों, ये महापाप है, हम बेटी बचाएंगे भी और बेटा बेटी बराबर पैदा हो, इसलिए समाज की मानसिकता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी जिंदगी का मिशन। और दूसरा संकल्प है कि माँ बहन बेटी का अपमान सहन नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सजाए मौत हो। तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो है कि नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाएंगे, समाज की मानसिकता बदलेंगे, क्योंकि नशे की हमने तय किया। पिछली बार सरकार में हमने कि नहीं सर आपकी दुकान कोई नहीं खोलेगी और दारू के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे,
हाथ में दारू नहीं दूंगी। और चौथी चीज मेरी बहनों, मैं बाड़ियों से भी कह रहा हूँ, इस धरती के संसाधनों पर बहनों का भी तो हक है, आगे आर्थिक सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री ने भी अरबपति दीदी बनाने की बात कही है, वो करेंगे। और मेरी बहनों, मेरा भी ये संकल्प है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, केवल लाडली बहना नहीं, आगे हर बहन को लखपति दीदी बनाएंगे, लखपति बहना बनाएंगे। लोग प्लीज ज्वाइन करिएगा। और हाँ, पैसे बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाए, इसके लिए बहुत सारी माताएं बहनें आती रहती हैं, उनके हिसाब से अगर पैसे बढ़ाना होगा तो मामा से हम बात कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे कि लाडली बहनाओं के अलावा एक बड़ी घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने की है कि जो भी छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, चूंकि किसान हमारा बड़ा मुद्दा है, किसानी हमारे यहाँ पे अच्छी नहीं हो पाती है, सिंचाई की कमी होती है, पानी नहीं आता, खाद बीज प्रॉपर नहीं मिलती, तो उसके लिए अच्छी शिक्षा एग्रीकल्चर में होना अति आवश्यक है। इसको लेकर मामा ने कुछ मोहन यादव जी ने कुछ बातें कही हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले उनके छोटे से भाषण देख लेते हैं, उसके बाद में आपके लिए इनका पूरा कंप्लीट भाषण दिखाऊंगा। मैं घोषणा कर रहा हूं, अगले साल से इसी विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर की पढ़ाई अपने बच्चों के लिए जारी रखी जाएगी। हॉर्टिकल्चर की बच्चों की परीक्षा यहीं पे होगी। बस इतना ही है कि आचार संहिता लग रही है, इसके कारण से ये आचार संहिता के बाद इन निर्णयों का पालन करना शुरू कर देंगे। सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, 163 की संख्या से भाजपा को आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया है। तो जनता ने धारा 370 के माध्यम से 40,000 लोगों का, निरपराध लोगों के अगर हत्याएं हुई है, ये कलंक कांग्रेस के माथे, कमलनाथ के माथे, क्योंकि आप भी उस सरकार में मंत्री थे, आप भी सांसद थे। ये निरपराध लोग क्यों मारे गए? क्योंकि अक्षम लोग सरकार चला रहे थे, हमारे देश के बॉर्डर पर सैनिकों के सिर काट के ले जा रहे थे। ये पाप क्यों हो रहा था? क्योंकि नकारा सरकार दिल्ली पे राज करती रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब यह नरेंद्र मोदी जी का समय है पाकिस्तान के बाप की मजाल लिए कि बॉर्डर के इस पार कुछ करके देख ले, वो घर में ही निपट ले, वही भूत है। उसकी जो हालत हुई है वर्तमान के समय में, हमारे दुश्मन पाकिस्तान के अंदर भी अब सुरक्षित नहीं है। ऐसा मजबूत देश बनाने के लिए हम और आपको संकल्प करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश तो वो धरती है जो जनसंघ के जमाने से राष्ट्रवादी दल को हमेशा विजय बनाती है। एक बार पटवाजी को आपने विजय बनाया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी अगला नंबर नहीं आया। अब की बार मोदी जी अपनी सरकार बनाए तो दुनिया में भारत की धाक और साख दोनों बनाने के लिए हम और आप तैयार हैं। अगर तैयार है तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, छिंदवाड़ा को भी जिताना पड़ेगा। भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना पड़ेंगे। गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, आपको स्वयं को नरेंद्र मोदी बन के जाना पड़ेगा। आप सब तैयार हैं? इधर से आवाज आए, तैयार हैं? तो बांधो मुट्ठी और बोलो जय जय सियाराम। तो एक तरफ सीएम मोहन यादव लगातार छात्रों के लिए और इनके लिए क्या बोलते हैं हमारे कृषक भाई बहनों के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं लगातार, ये अभी की बात है, आज की बात है। लेकिन मामा के लिए मैं बता दूं आपको कि मामा के लिए अभी भी महिलाएं उतावली बहुत हो रही हैं। मामा ने ही सोचा है, देखो मामा के एक और भाषण दिखाता हूं मैं आपको। ये आज की बात तो आपने सुन ली कि माताएं बहनें पैसे दे रही हैं, अभी लखपति बहना योजना बनाएंगे और मोहन यादव ने भी इस पर भाषण दिया है, तो लखपति बहना योजना पर बात कर लेते। चलिए लखपति बहना योजना के लिए मामा ने क्या कहा, थोड़ा सा वीडियो 30 सेकंड का देखो। हर बहन को लखपति बहना बनाऊं, हर बहन को, हम गरीब क्यों रहे, हम आंसुओं में क्यों डूबे रहे, हम दुख भरी जिंदगी। तो देखा, ये बच्ची पैसे दे रही है, क्यों? क्यों मामा वापस आ जाएं, मामा वापस आ जाएं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ हमारे मोहन यादव जी पीछे नहीं पड़ रहे, उन्होंने भी देखो, उन्होंने भी कहा है लाडली बहना के लिए कुछ, दो शब्द उनके भी सुन लीजिए। जब हमारी सरकार बनी, यही लोगों ने कहा कि भैया आपकी सरकार बनेगी, हमने सुना कांग्रेस वाले बहुत भाषण दे रहे थे लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी, पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे। हमने उस समय भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, भैया
तुम्हें झूठ बोलते रहिए, हमारी भाजपा वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना ना तब बंद हुई, ना आज बंद हुई, ना अगले चुनाव तक बंद होगी। ये लगातार जारी रहेगी। ये योजना का श्रेय भी हमारा है और भावना भी हमारी। किसी बहन के जीवन में कोई योजना सरकार की जो भी जारी। तो यहाँ पर आप लोग अगर वीडियो आपने देखा हो तो बिल्कुल मामा के लिए मैं लास्ट में भी दिखा दूंगा, मामा को बच्चियां पैसे दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी सरकार कैसे भी सरकार ना बना पाए इसके लिए ओवैसी का प्लान देखिए। ओवैसी देखो क्या बोल रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। मगर बताओ 2014 और 19 में कैसे बने नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम? मेरी वजह से बने। आप इनसे पूछो जाकर, ये तेजस्वी से और ये गठबंधन के लोग इसी की वजह से बने। और जब मेरे सामने आते हैं मैं कहता हूं बोलो बाबू कैसे बने। हम पूरी कोशिश। तो देखो ओवैसी तो बोल रहे हैं भाई कि हम तो कुछ भी हो जाए बीजेपी को नहीं लाने देंगे, मोदी को नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री। चलो इनकी चले ना चले वो सब ठीक है। आपने देखा होगा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटे हमारे, जो भी लोग रहे हैं, और चाहे ओवैसी हो चाहे वो केजरीवाल जी हो, सब लोग मिलकर लगातार एक इंडी गठबंधन बनाया था। लेकिन इंडी गठबंधन को लेकर बीजेपी की क्या सोच है जरा, उन्होंने एक बढ़िया सा एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। आप लोगों को क्या लगता है, लाडली बहना योजना तो ठीक है, वो तो एमपी में चलेगी, क्या ये लोग मिलकर मोदी को रोक पाएंगे? देखिए मोदी जी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। उस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि पूरे इंडी गठबंधन के लोगों का क्या हाल है, और आप भी इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखिए मैं नहीं कहता कि कांग्रेस जीतेगी बीजेपी जीतेगी, लेकिन जो माहौल बन रहा है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है वो पूरा पूरा इस चित्रण में वीडियो देखिए प्रॉपर तरीके से, मजा आ जाएगा। आप ये सब आपके रिश्तेदार हैं? बिजनेस पार्टनर है जी। ये दीदी बंगाल में बिजनेस संभालती हैं, वो चाचा बिहार में, ये यूपी में, ये मुंबई में और ये चेन्नई में, और इन्होंने हाल ही में खोली है दुकान दिल्ली में। पूरे देश में बिजनेस फैला है जी, सब कमाते हैं और मेरी बात तो खाते हैं। ये इंडियन चीज है, चाइनीज नहीं। दूल्हे तो आप ही हो ना? और कौन होगा जी। देखिए दादी का दिया हुआ सब कुछ है, सरनेम है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मतलब मिल जाएगी शादी के बाद जी। ओ हेलो, दूल्हा कौन होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है अब तक। दूल्हा हम बनेंगे, इज्जत की कोई कमी नहीं है। ए भाई तुम तो रहने ही दो, हमारी दुकान इनसे काफी बड़ी है, दूल्हा तो हम ही बनेंगे, है ना पापा? पापा पापा सब गुर्बत, इसको तो हम बिहार में दूल्हा बना देंगे, लेकिन यहाँ पे दूल्हा हम ही बनेंगे। ओ काका, सारी शादियाँ क्या आपके ही घर में होगी क्या, और हम क्या यहाँ यूं ही दुकान खोल के बैठे हैं क्या? ओ भाई, पिछली बार भी किसी दूसरे की बारात में दूल्हा बन गए थे आप, इस बार आपकी दुकान भी आपके नाम से नहीं है। अरे रुको 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 रुको, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओ दादा, दूल्हा तो इनके मैनेजर ही बनेगी। दूल्हा तो छोटे बाबा ही बनेंगे। वही बोल रहा हूँ, हम क्यों नहीं बन सकते? ये दूल्हा नहीं, दूल्हा हम बनेंगे। आणि माझं काय, मैं बनूंगा दूल्हा। अरे दूल्हा मैं बनूंगा। आपको लगता है ये अपने बीच दूल्हा चुन सकते हैं? क्या कहना है कि जब ये दूल्हा सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर क्या सिलेक्ट कर पाएंगे, क्या प्रधानमंत्री सिलेक्ट कर पाएंगे? ठीक है, तो ये एक मीम था, लेकिन हाँ इस प्रकार की हालत यहाँ पर हो रही है। तो ओवैसी जी बोल रहे हैं कि हम मोदी को नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री। भैया तुम्हारे कहने से बन गए तो हो गया कल्याण यहाँ पर लाडली बहनाओं के लिए, ग्रामवासियों के लिए। सारी मैंने आपको बात बता दी है, बस जाते जाते एक मामा का छोटा सा वीडियो जरूर देखेंगे हम, जिसमें कि मामा ने भावुक करने वाले पल थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे लाडली बहना एक पैसा दे रही है, इससे मैं चुनाव जीतूंगा, ये मेरे लिए आशीर्वाद है कि
कि इस बार मुख्यमंत्री भले ना हो मामा, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने की जिम्मेदारी या जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ये लगातार सभाएं कर रहे हैं, कल रंगपंच में होली के समय पर उन्होंने सभाएं की, सब जगह सभाएं की। तो देखते हैं मामा का जाते जाते ये वीडियो, और मैं आपको बता दूं जिन बच्चों ने लेट ये वीडियो देखा है कि समस्त ग्रामवासियों का मानना है कि लाडली बहना योजना फिर से शुरू करने के लिए सिराज मामा को ही वापस लाना पड़ेगा। गलती से परित्याग हो गया है, उसको लिंक ओपन हो, यानी कि लिंक ओपन हो, नई बहनाएं जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई रजिस्ट्रेशन करें, और कुछ बहनाओं का मानना है कि पैसे को बढ़ाकर अब 1250 से 1500 रुपये कर देना चाहिए। इन सब पर हम आपके लिए साथ में बने रहेंगे, ठीक है। और अगर आपके यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा हो, पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ, जी हाँ, हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी एक बेहतरीन टीम है जो लगातार आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देती है, पढ़ाती है। हम लोग आपके लिए दीप्ति एकेडमी इंदौर के माध्यम से घर बैठे शिक्षा देते हैं। हमारे चैनल पर सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम। और अगर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन ना हो तो प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए।